नमस्कार दोस्तों, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वह था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी हमने देखी। लेकिन वो मध्य प्रदेश का सिलेबस अभी हमने शुरू नहीं किया था, वो एक बेसिक था जिसको समझना जरूरी है अगर हम मध्य प्रदेश के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश का जो पहला टॉपिक है वह मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले एमपी या जीके या मध्य प्रदेश को पढ़ रखा है, अगर मैं शुरू यहीं से मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से शुरू कर देता हूं तो ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ने में आसानी रहेगी। लेकिन जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश को शुरू से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, अगर मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को शुरू से पढ़ा दिया जाए या कहीं यहीं से शुरू किया जाए तो उनके लिए थोड़ी कठिनाई होगी। तो बेसिक से अगर हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन समझें तो उन विद्यार्थियों ने जिन्होंने अभी एमपी जीके का सिलेबस शुरू ही नहीं किया था, पढ़ना शुरू ही नहीं किया, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो चूंकि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ने के लिए, मध्य प्रदेश जो कि एक राज्य है भारत का, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भारत के राज्यों का गठन कैसे हुआ। क्या इस तरीके के राज्य भारत में पहले से थे, ये राज्यों की कुछ स्थिति बदलाव में थी या कुछ अलग तरीके के राज्य भारत में थे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भारत में आखिरकार राज्य किस तरीके से थे या राज्यों का गठन कैसे हुआ। तो उन राज्यों का जो गठन होगा उसमें हमारे मध्य प्रदेश राज्य आ जाएगा और हमें मध्य प्रदेश की स्थिति वैसे ही समझ आ जाएगी। तो बात करें 15 अगस्त 1947 जब हमारा भारत आजाद हुआ। आपको याद है कि भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा। तो हुआ क्या, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। जो वर्तमान में हमें राज्य दिखाई देते हैं, जिस तरीके से आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, जो आज राज्यों की स्थिति दिखाई देती है, वास्तव में आजादी के पूर्व या आजादी के समय इस तरीके से राज्यों की स्थिति नहीं थी। तो था क्या, तो मध्य प्रदेश जहां पर है ऐसे हर जगह पर कुछ रियासतें थी, कुछ ब्रिटिश प्रांत थे जहां पर ब्रिटिश लोगों का शासन था, कुछ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अर्थात आजादी के पूर्व या आजादी के समय की बात की जाए 15 अगस्त 1947 की, तो यहां पर तीन प्रमुख इकाइयां थी प्रशासनिक तौर पर। पहली इकाई थी आपका ब्रिटिश प्रांत, दूसरी इकाई थी आपकी देशी रियासतें, और जो तीसरी इकाई थी वह चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अगर बात करें ब्रिटिश प्रांत की, तो ब्रिटिश प्रांत कहते किसको थे, तो जहां पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ब्रिटिश प्रांत, यानी कि ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से जहां पर शासन होता था वह था आपका ब्रिटिश प्रांत। तो फिर चीफ देशी रियासतें क्या होगी, तो देसी रियासतें यानी कि स्पष्ट है नाम से ही, देसी रियासतें वो रियासतें थे यहाँ पर राजा शासन करता था। देखिए, राजा शासन तो करता था लेकिन गुलाम या हम अधीन थे अंग्रेजों के, जिसके कारण यहाँ की जो भागडोर थी वह पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन के हाथों में थी। अर्थात ब्रिटिश सरकार जो भी यहाँ पर निर्देश दे देती थी उसका पालन राजा के माध्यम से उन देसी रियासतों में किया जाता था। तीसरा था आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, यानी कि जो कमिश्नरी क्षेत्र था, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र, वही आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। इस तरीके से 15 अगस्त 1947 के समय तक भारत में प्रशासनिक इकाइयां थी, यानी कि पहली इकाई आपकी ब्रिटिश प्रांत जहां पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन चलता था, देसी रियासत जहां पर राजा ब्रिटिश शासन के माध्यम से शासन करता था, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जहां पर कमिश्नरी क्षेत्र था। अब होता क्या है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है और भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो देसी रियासतें थी, लगभग 565 से अधिक भारत में देसी रियासतें थी। अब चूंकि इन रियासतों का एकीकरण करना और एकीकरण कर एक अखंड भारत का निर्माण करना था, ये भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी। तो रियासतों के एकीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो निभाई थी वल्लभ भाई पटेल ने। इन्होंने रियासतों के एकीकरण को करना शुरू किया। लेकिन जब रियासतों को एकीकरण करना प्रारंभ किया तो उन रियासतों को राज्य बनाना भी अत्यंत जरूरी था। तो ये जो कार्य था राज्य बनाने का, ये कार्य था आपका संविधान सभा का। और संविधान सभा वह सभा थी जिसका कार्य था संविधान का निर्माण करना, जिसके अंतर्गत आपके राज्यों का निर्माण भी हो जाता था, क्योंकि संविधान में आपके राज्यों का निर्माण के संबंध में अनुच्छेद दिए गए हैं। तो संविधान सभा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आती है राज्यों के निर्माण को लेकर। सबसे पहली चुनौती थी आपकी देशी रियासतों का एकीकरण करना, फिर उन रियासतों को राज्यों में परिवर्तित करना। तो चूंकि वल्लभ भाई पटेल ने इन 565 से अधिक रियासतों को भारत में विलय किया या उनका एकीकरण किया और इनको राज्यों में परिवर्तित किया, तो राज्यों में भी कैसे परिवर्तित किया, जैसे आज आपका मध्य प्रदेश है, इस तरीके से राज्यों में परिवर्तित नहीं किया,
बल्कि किया गया चार श्रेणियों के राज्य बनाए। चार श्रेणियों के राज्य कैसे? एक बनाया गया पार्ट ए, यानी कि पार्ट ए श्रेणी के राज्य, पार्ट बी श्रेणी के राज्य, पार्ट सी श्रेणी के राज्य और पार्ट डी श्रेणी के राज्य। इस तरीके के चार श्रेणियों के राज्य भारत में बनाए गए। तो पार्ट ए श्रेणी के राज्य में उन राज्यों को शामिल किया गया जो ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत हमने देखा जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट या प्रत्यक्ष शासन होता था, वे थे आपका ब्रिटिश प्रांत। तो ब्रिटिश प्रांतों को पार्ट ए में शामिल कर दिया गया और यहाँ का जो शासन था वह गवर्नर के हाथों में चला गया, अर्थात गवर्नर यहाँ का मुख्य शासनकारी था, जिसे हम राज्यपाल के नाम से जानते हैं। अर्थात राज्यपाल यहाँ का प्रमुख होता था। दूसरा था आपका पार्ट बी। पार्ट बी में हमने देखा 565 रियासतें या 565 से अधिक रियासतें थी, तो इनका जो एकीकरण किया, एकीकरण के बाद इनको पार्ट बी राज्य की श्रेणी में दर्जा दिया गया। तो देशी रियासतों को हमने पार्ट बी श्रेणी में शामिल कर दिया और यहाँ के जो प्रमुख बने उनको कहने लगे हम राज प्रमुख। जैसे आज आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस तरीके से नाम लेते हैं, उस तरीके से यहाँ के जो प्रमुख बने वो उनको कहा गया राज प्रमुख। तीसरा था आपका पार्ट सी स्टेट। पार्ट सी जो स्टेट था, पार्ट सी स्टेट में हमने छोटी छोटी जो रियासतें थी, जैसे आपका भोपाल एक छोटी रियासत थी, इस छोटी रियासत को हमने पार्ट सी स्टेट में शामिल किया। तो छोटी छोटी रियासतें और जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, आपके प्रशासनिक जो इकाई थी तीन, उसमें से एक जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था उसको शामिल कर दिया गया हमने पार्ट सी में। यानी कि जो भारत में आजादी के समय तीन इकाइयां थी, ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इनको तो हमने शामिल कर दिया। तो पार्ट डी का क्या? तो एक क्षेत्र था आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हमने पार्ट डी में शामिल कर दिया। इस तरीके से भारत में चार श्रेणी के राज्य बना दिए, पार्ट ए श्रेणी के, पार्ट बी श्रेणी के, पार्ट सी श्रेणी के, पार्ट डी श्रेणी के। एक बार और देखते हैं इसमें किस किस को शामिल किया। तो पार्ट ए में तो ब्रिटिश प्रांतों को शामिल कर दिया और यहाँ के प्रमुख बना दिए राज्यपाल या गवर्नर। पार्ट बी में देशी रियासतें या को शामिल किया जिसके प्रमुख थे राज प्रमुख। पार्ट सी में किया हमने छोटी छोटी रियासतें जैसे भोपाल रियासत हो गई, प्लस चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे उनको हमने पार्ट सी में शामिल किया। पार्ट डी में शामिल किया हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। इस तरीके से भारत में 26 जनवरी 1950 तक सभी रियासतों का एकीकरण कर इन चार श्रेणियों में राज्यों को दाखिल किया गया, दर्जा दिया गया, जो भी कह सकते हैं आप, इन श्रेणियों में राज्यों को विभक्त कर दिया और इन श्रेणियों में इन राज्यों को या रियासतों को शामिल कर दिया। जब चार श्रेणियों में राज्यों का गठन हो चुका था तो होता क्या है, 1947 से पहले भारत में राज्यों की मांग चल रही थी, अर्थात जो राज्य बनाए जाने थे वे भाषा के आधार पर राज्यों की मांग लोग कर रहे थे। लेकिन 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब भी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ और चार श्रेणियों में राज्यों का गठन हो चुका था। अब ऐसी स्थिति में लोगों ने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। आंदोलन किस लिए किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। होता क्या है, 1947 में राज्यों के गठन की मांग अत्यंत बढ़ने लगी, वो भी भाषा के आधार पर। तो इसके लिए संविधान सभा, आपने देखा था संविधान सभा जो कि भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद एक आयोग का गठन करते हैं, उस आयोग को कहते हैं धर आयोग, अर्थात इसके धर साहब की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है जिसे धर आयोग के नाम से जानते हैं। और ये चार सदस्यीय आयोग था और 1948 में इस आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग का कार्य था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या नहीं, इस बात को आपको बताना है, ये रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करनी है। तो धर आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसमें कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना उचित नहीं है, इससे भारत की एकता एवं अखंडता को खतरा है, साथ ही साथ इससे जो प्रशासनिक सुविधा है, अर्थात जिस तरीके से आप कार्यों को करवाएंगे उस प्रांत में, उसमें असुविधा होगी। तो इस कारण इसके धर आयोग की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर कहा गया कि यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इससे होता क्या है कि जो आंदोलनकारी थे वो उस आंदोलन को अत्यंत तीव्र गति से बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब स्थिति बिगड़ने लगती है तो एक नई समिति का गठन होता है जिसे कहते हैं JVP समिति। JVP समिति, अधिकांशतः यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि JVP समिति के निम्न सदस्य थे, तो जे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और पी से था आपका पट्टाभी सीतारामैया। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीन
जेवीपी समिति का गठन होता है। इसका गठन होता है दिसंबर 1948 में। इसका क्या कार्य होता है कि आपको जो इसके धर आयोग ने जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, इसकी समीक्षा करना है एवं बताना है कि भाषा के आधार पर वास्तव में क्या राज्यों का गठन हो सकता है या नहीं। तो जेवीपी समिति अपनी समीक्षा या रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत करती है और कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं है। जब दो बार ये कार्य किया जाता है, एक जो समिति आयोग था उसने भी आपकी रिपोर्ट को बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, जेवीपी समिति ने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में मद्रास जो प्रांत था, उस समय मद्रास आपका एक राज्य था, मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी लोग थे वे अत्यंत तीव्र गति से आपका आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। तो जब मद्रास के तेलुगु भाषियों द्वारा आंदोलन को अत्यंत तीव्र गति से किया जाने लगा तो वहां के एक नेता थे पोटी श्री रामुल्लू। पोटी श्री रामुल्लू वहां के नेतृत्व करता थे, वहां के नेता थे। तो पोटी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन अत्यंत तीव्र गति से होता है और 58 दिन के आमरण अनशन पर पोटी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो जाती है। जब पोटी श्री रामुल्लू की मृत्यु होती है तो इसके कारण आंदोलन और तीव्र हो जाता है। ऐसी स्थिति को जब सरकार संभालने में अत्यंत उनको कठिनाई होने लगती है सरकार को, तो ऐसी स्थिति में उन्हें भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ा। वे पहले राज्य पर जो गठन किया गया वह था आपका आंध्र प्रदेश, अर्थात 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, अर्थात भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आपका आंध्र प्रदेश, जो कब बना 1 अक्टूबर 1953 को। यहां से अधिकतर क्वेश्चन आ सकता है कि आजादी के बाद भारत के, या कह सकते हैं आजादी के बाद भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य बना, तो वह था आपका आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाता है तो चूंकि भारत में अलग अलग हिस्सों पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए मांगे चल रही थी, तो अन्य लोगों को यहाँ से बल मिल जाता है। जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन होता है तो अन्य जो भी लोग होते हैं जो कि आंदोलनकारी थे अन्य भाषाओं को लेकर, नए राज्यों के गठन को लेकर, तो उनमें भी जन आक्रोश पैदा होता है, आंदोलन शुरू होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को एक आयोग का गठन करना पड़ता है जिसे कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका कार्य था नए राज्यों का पुनर्गठन करना, या कहें कि उन राज्यों का पुनर्गठन कर नए राज्य बनाना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन, 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया जाता है। इसके जो सदस्य थे या जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस फजल अली साहब इसके अध्यक्ष थे और इनके अध्यक्षता में दो सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। तो हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर इसके दो अन्य सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित होता है और 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जो आपके चार श्रेणियों के राज्य थे, जो आपने चार श्रेणियों के राज्य बनाए थे, पार्ट ए श्रेणी के राज्य, पार्ट बी श्रेणी के राज्य, पार्ट सी श्रेणी के राज्य और पार्ट डी श्रेणी के राज्य, इन चारों श्रेणियों के राज्यों को समाप्त किया जाए। तो इनकी जो पहली सिफारिश है दी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, उसमें चार श्रेणियों के राज्यों को समाप्त किया गया। दूसरी बात इन्होंने कही, क्योंकि जो राज प्रमुख का पद है पार्ट बी में, हमने देखा था देसी रियासतों में पार्ट बी में राज प्रमुख के पद को दिया गया था, तो उस पार्ट बी के राज प्रमुख के पद को समाप्त किया जाए। तो इनकी रिपोर्ट को में एक कुल सिफारिश थी राज प्रमुख पद का समाप्त किया जाए। तीसरी इन्होंने बात कही, चूंकि राज्य पुनर्गठन आयोग नए राज्यों के गठन के लिए बनाया गया था, तो 14 नए राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए। तो इस तरीके से इनकी मुख्य जो सिफारिश थी उनमें ये थी, पहला था आपका चार श्रेणियों के राज्यों को समाप्त कर दो श्रेणी के राज्य कौन से, जैसे आज आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिखते हैं, राज्य जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस तरीके से राज्य और संघ शासित प्रदेश जैसे आपका दिल्ली हो गया या आपके केंद्र शासित प्रदेश, तो दो श्रेणियों के राज्य हो गए अभी, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाए, दूसरी आपकी सिफारिश थी। तीसरी सिफारिश थी 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। तो इन 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर इसकी रिपोर्ट, इसमें सिफारिशें की गई। तो 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन जो कि संविधान में होता है, संशोधन होता क्या है या संविधान संशोधन कहते किसे, जैसे मान लीजिए आपने संविधान में कुछ बात कही, अगर उसमें कुछ संशोधन करना है, कुछ परिवर्तन करना है, कुछ बदलाव करना है या कुछ नया जोड़ना है,
तो उसको हम संशोधन कहते हैं, सामान्य रूप से इसी को हम संशोधन बोलते हैं। तो हम जब संविधान में किसी संशोधन को करते हैं तो संशोधन का नाम आता है आपका। तो सातवां संशोधन, संविधान संशोधन इसमें किया गया जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो इसी दिन से 14 राज्य और 9-6 केंद्र शासित प्रदेश लागू हो गए। उन 14 राज्यों में एक हमारा राज्य भी था जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं हम। तो इन 14 राज्यों में एक नए राज्य या नए राज्य का पुनर्गठन किया गया जिसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश। इसीलिए 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन माना जाता है और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस मानी जाती है, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग की समीक्षा या रिपोर्ट के आधार पर किया गया। इसी 1 नवंबर को मध्य पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। अब चूंकि हमने देख लिया कि भारत में राज्यों का गठन कैसे हुआ, तो वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी रही। यानी कि 1947 से 1956 तक जब भारत में 4 श्रेणियों के राज्य थे, तो 4 श्रेणियों के राज्य आपके मध्य प्रदेश में भी मिलेंगे क्योंकि भारत का हिस्सा ही एक मध्य प्रदेश है। फिर 1956 से जो मध्य प्रदेश में या भारत में पुनर्गठन हुआ, वही पुनर्गठन मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। तो 1947 से 1956 तक की स्थिति आप समझ चुके हैं पार्ट ए श्रेणी में किस राज्य को। एक बार और कवर कर लेते हैं हम। पार्ट ए श्रेणी में ब्रिटिश प्रांत को रखा गया था, पार्ट बी श्रेणी में बड़ी रियासत सॉरी देसी रियासतों को रखा गया था, पार्ट सी में रखा गया था छोटी रियासत या चीफ कमिश्नर क्षेत्र, और जो पार्ट डी था उसमें था आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो वही सेम स्थिति आपकी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हम देख रहे हैं। अब आपका टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। तो 1947 से मध्य प्रदेश की सन 1947 से 1956 तक की स्थिति कुछ इस तरीके से थी। अगर बात करें 1947 में जो कि पार्ट ए बी और सी इन 3 श्रेणियों की, क्योंकि डी श्रेणी यहाँ पर है नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकमात्र क्षेत्र उसमें रखा गया था, तो डी श्रेणी को यहाँ से हटा देते हैं। तो पार्ट ए जो श्रेणी था उसमें रखा गया था आपका सीपी बरार, इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता है। सीपी बरार पार्ट ए में क्यों रखा गया, क्योंकि पार्ट ए में रखा गया था आपका ब्रिटिश प्रांत, और सीपी बरार सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिसके कारण सीपी बरार को पार्ट ए के अंतर्गत शामिल किया गया था। अगर बात करें सिर्फ सेंट्रल प्रोविंस की, तो जो सेंट्रल प्रोविंस था 2 नवंबर 1861 को केंद्र प्रांत के रूप में ये गठित हुआ था। और जब जो आपका भारत है, भारत आजाद नहीं हुआ था, यानी कि 1947 तक मुख्य मध्य प्रदेश आपका यही क्षेत्र था, यानी कि सीपी बरार को ही मुख्य मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो सीपी को ही मुख्य मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस का गठन होता है 2 नवंबर 1861 को। 1921 को इसे राज्यपाल प्रांत घोषित कर दिया जाता है। 1921 को सीपी या सेंट्रल प्रोविंस राज्यपाल प्रांत घोषित कर दिया जाता है। अब होता क्या है, हैदराबाद रियासत, एक हैदराबाद रियासत रहती है, हैदराबाद रियासत का एक क्षेत्र रहता है बरार, हैदराबाद रियासत का एक क्षेत्र है बरार, उस बरार को 1936 में सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र में मिला दिया जाता है, जिसके कारण इसका पूरा नाम हो जाता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसका पूरा नाम होता है, और 1947 में इसे पार्ट ए में शामिल कर लिया जाता है। हमने देखा था 1947 से 1950 तक रियासतों के एकीकरण पर कार्य किया जाता था, इन्हें राज्यों में कह सकते हैं राज्यों की श्रेणियों में दर्जा दिया जाता था, जिसके कारण जो आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है 1947 में पार्ट ए में शामिल हो जाता है। तो ब्रिटिश प्रांत है, और ब्रिटिश प्रांत को इसलिए हमने पार्ट ए श्रेणी में रखा। अब बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल की। तो पार्ट ए श्रेणी में किसको रखा गया था, राज्यपाल को, यानी कि यहाँ के प्रमुख थे राज्यपाल। तो यहाँ के राज्यपाल थे आपके ई राघवेंद्र राव, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने वे बने पंडित रविशंकर शुक्ल। साथ ही साथ सीपी बरार की जो राजधानी रखी गई वह रखी गई थी नागपुर। तो इस तरीके से आपका पार्ट ए स्टेट कंप्लीट होता है। फिर देखते हैं पार्ट बी स्टेट। पार्ट बी स्टेट में हमने देखा था यहाँ पे देसी रियासतों को रखा गया था, जहाँ पे राजा महाराजाओं का प्रत्यक्ष शासन होता था, लेकिन जो बागडोर थी वह किसके हाथों में थी, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। तो यहाँ पे जो बड़ी रियासत थी, जैसे आपकी होलकर रियासत जो कि इंदौर में थी, सिंधिया रियासत जो कि ग्वालियर में थी, और भी बहुत सी रियासत थी, जैसे यहाँ पे थी आपकी झाबुआ रियासत, उसके बाद धार रियासत, देवास रियासत, इस तरीके से कुल यहाँ पर 25 रियासतों को मिलाकर पार्ट बी स्टेट को बनाया गया। 22 अप्रैल 1948 को इन 25 रियासतों को मिलाया गया और इसको पार्ट बी स्टेट में शामिल किया गया। अब हमने क्या देखा था, पार्ट बी स्टेट में देसी रियासतों को तो शामिल किया जाएगा, लेकिन यहाँ के जो प्रमुख बनाए जाएंगे उनको बोला जाएगा राज प्रमुख। और राज प्रमुख का पद जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने समाप्त किया था, लेकिन वो समाप्त कब हुआ, 1956 में,
यानी कि 1947 से 1956 तक राज प्रमुख का पद चला, जिसके कारण यहाँ के जो राज प्रमुख बने वो बने लीलाधर जोशी, यानी कि पार्ट बी स्टेट के राज प्रमुख बने आपके लीलाधर जोशी। अब बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी दो राजधानी को बनाया गया, एक बनाई गई आपकी ग्वालियर, तो 6 माह के लिए ग्वालियर राजधानी बनी गई, और एक बनी गई आपकी इंदौर, यानी कि 6 माह के लिए इंदौर, अर्थात 6 माह ग्वालियर राजधानी बनाई जाएगी और 6 माह इंदौर राजधानी बनाई जाएगी। इस तरीके से जो पार्ट बी स्टेट है, पार्ट बी स्टेट की दो राजधानी बनी ग्वालियर और इंदौर, 25 रियासतों को इसमें शामिल किया गया। 22 अप्रैल 1948 को इसे कंप्लीट किया गया पार्ट बी को, और इसके राज प्रमुख बने आपके लीलाधर जोशी। हमने देखा था पार्ट सी स्टेट, पार्ट सी स्टेट में छोटी छोटी रियासतों को, जैसे भोपाल रियासत हो गया, इस तरीके की छोटी रियासतों को शामिल किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर राज प्रमुख, क्योंकि रियासतों में देखे जाते थे तो यहाँ पर भी राज प्रमुख देखे जा सकते हैं। तो पार्ट सी स्टेट में शामिल किया गया आपका भोपाल, क्योंकि ये छोटी रियासत था। साथ ही साथ विंध्य प्रदेश, यहाँ पे कुछ छोटी रियासतें थी तो इसको मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया। तो पार्ट सी स्टेट में हमने भोपाल और विंध्य प्रदेश को शामिल कर दिया गया। तो विंध्य प्रदेश की बुंदेलखंड और बघेलखंड की कुल 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था, और इसका निर्माण किया गया था मार्च 1948 में विंध्य प्रदेश का निर्माण बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 फैक्ट याद रखना है, 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। 1 जनवरी 1950 को इसे विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में शामिल किया गया, क्योंकि हमारा 26 जनवरी 1950 तक इन रियासतों को शामिल कर रहे थे हम 4 श्रेणियों में। तो इस तरीके से 1 जनवरी 1950 को पार्ट सी में विंध्य प्रदेश को शामिल किया गया। साथ ही साथ इसकी जो राजधानी रखी गई वो राजधानी थी रीवा, पार्ट सी की राजधानी रख दिया आपने रीवा। यहाँ के जो राज प्रमुख थे वह थे महाराजा मार्तंड सिंह देव, महाराजा मार्तंड सिंह देव यहाँ के राज प्रमुख बनते हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं आपके पंडित शंभुनाथ शुक्ल। इस तरीके से पार्ट सी में शामिल किया गया आपका विंध्य। अब देखते हैं हम भोपाल रियासत के बारे में, जो आपकी भोपाल रियासत थी, भोपाल रियासत को पार्ट सी में शामिल किया गया था, चूंकि ये छोटी रियासत थी तो पार्ट सी में भोपाल रियासत को शामिल किया गया, और यहाँ के नवाब थे नवाब हमीदुल्ला खान साहब। नवाब हमीदुल्ला खान साहब ने 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय भारतीय संघ में कर दिया था। इस तरीके से पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी हमारे मध्य प्रदेश में थे, अब जा इन राज्यों में थे, इन राज्यों की श्रेणी में थे। इस तरीके से पार्ट ए, पार्ट बी तथा पार्ट सी जो 4 श्रेणी 3 श्रेणियों के स्टेट थे वो मध्य प्रदेश में थे।